नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल पीएन वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताजा खबर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन नहर और आप देख रहे हैं पीएन वॉइस। झाबुआ जिले में अल्प प्रवास के लिए हमारे बीच हिंदू जागृति के क्रांतिकारी संत कहें और हिंदू जागृति के लिए जो क्रांतिकारी वचनों के लिए जाने जाते हैं, ऐसे प्रवीण जी तोगड़िया हमारे झाबुआ जिले में पहली बार अल्प प्रवास के लिए आए हैं। आइए जानते हैं उनका झाबुआ जिले में दौरा किस लिए है और किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर आए हैं। प्रवीण जी नमस्कार। हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, सभी हिंदुओं को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, हिंदुओं को सुरक्षा मिले और एक भी हिंदू का धर्मांतर न लो, उनकी योजना और योजना के अंतर्गत पूरे देश में और झाबुआ में गांवों तक हर सप्ताह हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर हिंदुत्व के जागरण की योजना आज हमने बनाई है। धर्मांतरण को लेकर आप यहां पर आए हैं कि धर्मांतरण को अपन हिंदुओं ज़्यादा से ज़्यादा जागृत हों और वो हिंदू में रहें। सबसे बड़ा देखा जाता है कि कई लोग जो धर्मांतरण हो चुका है तो उनको वापस से घर वापसी के लिए कोई आपकी ओर से कोई प्लान तैयार है क्या? सब प्लान थोड़े आपको बताएंगे, फिर भी समय आने पर बताएंगे। जैसे अभी कर्नाटक इलेक्शन हुआ, वहाँ पर बजरंग दल और बजरंग दल को बैन लगाने की जिस तरह से बात की जा रही है, इस तरह का आजकल राजनीतिक पार्टी भी धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा शरण ले रही है, उसको आप किस प्रकार से देखते हो? ये सब चुनावी सगुफा था, चुनाव पूरा हुआ, कोई अब याद करने वाला नहीं, आप भी भूल जाओ, वह भी भूल गए। सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिलना चाहिए, नर्मदा का पानी मिलना चाहिए। साथी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा हुआ, उनमें गांवों से बड़ी संख्या में ट्राइबल और अन्य बंधु भी उपस्थित रहे। हमने हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मानित हिंदू का संकल्प पूरा करने के लिए देश में 1,00,000 जगह पर हर सप्ताह हनुमान चालीसा केंद्र, ये ध्यान में रखकर मेघनगर, झाबुआ और गाँव में हनुमान चालीसा केंद्र बनवाने की योजना बनवाई। हमने मांग की है कि जिन्होंने गरीबी में भी अपना धर्म बनाकर रखा, ये ट्राइबल बंधुओं को ज़्यादा नौकरी मिले, ज़्यादा IAS, IPS, कलेक्टर, SP और डॉक्टर बने। इसलिए जो ट्राइबल क्रिश्चियन बन गए हैं उनको ट्राइबल आरक्षण से बाहर किया जाए, क्योंकि इस समय ट्राइबल आरक्षण का बड़ा लाभ हिंदू ट्राइबल नहीं क्रिश्चियन ले रहे हैं। और शेड्यूल कास्ट में ऐसी व्यवस्था है कि शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन बनता है तो उनका शेड्यूल कास्ट आरक्षण समाप्त होता है। तो मेरी मांग है कि भारत सरकार संशोधन करके जो ट्राइबल क्रिश्चियन बन गए हैं उनके आरक्षण के लाभ समाप्त करे, ताकि हिंदू ट्राइबलों को ज़्यादा सरकारी नौकरियां, ज़्यादा SP कलेक्टर और डॉक्टर इंजीनियर बनने का मौका मिले। दूसरा, मैंने धर्म पर दृढ़ क्यों रहना चाहिए, उनसे हमारे जीवन में क्या फ़ायदा होता है, यह बात भी सबको समझाई। धर्मांतर रोकना है तो धर्म का जागरण और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने की मुख्य जिम्मेदारी सरकार की है। हमारे द्वारा हनुमान चालीसा का केंद्र के आधार पर हम धर्म का जागरण का पूरे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में गांवों तक अभियान चलाना शुरू किया है। यहाँ परंपरागत हमारी पूजा पद्धति का सम्मान होना चाहिए और हमारे पूर्वकों की, ट्राइबलों की पूजा पद्धति को खलेल करे ऐसी कोई गतिविधियाँ यहाँ नहीं चलनी चाहिए। पूरे देश में घूमते हैं, अब लगता है कि जल्दी हमारे बंधु बुलाएंगे तो फिर से आएंगे।
यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।